दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मुख्य समाचार बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। इस वीडियो में पहुंचाएंगे हर एक ताजा खबर। बड़ी खबर कलकत्ता हाई कोर्ट से आ रही है। इस्तीफा देते ही पूर्व जज गंगोपाध्याय विपक्ष के निशाने पर आए, बताया बीजेपी का एजेंट विपक्ष हमलावर। वहीं चुनावी रैली में मोदी जी दुखड़ा सुना पूरे देश की जनता को, कर रहे थे गुमराह लेकिन उड़ गए होश, जाने पूरा क्या है मामला। दूसरी तरफ अपडेट निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले डीके शिव कुमार की बड़ी जीत। ईडी को लगा है झटका, फाइल की गई है बंद। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें शामिल की गई हैं इस एक वीडियो में, लगातार बने रहिए। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान किया है। ये अगस्त महीने में रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि इन्हें महत्वाकांक्षा है लोकसभा चुनाव लड़ने की, वह भी बीजेपी के टिकट पर। रिटायरमेंट लेने के बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने भाजपा में शामिल होने और लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि यहाँ हाई कमान द्वारा तय किया जाएगा वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं। उन्होंने स्वयं जानकारी दी कि वह 7 मार्च के आसपास भाजपा में शामिल हो सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये अपडेट निकल के आई है। एक पूर्व जज जो कि बीजेपी की विचारधारा से काफी प्रभावित थे, तो उनके फैसले भी इसी से प्रभावित रहे होंगे, ये सीधे तौर पे अंदाजा लगाया जा रहा है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया, कल्पना कीजिए बीजेपी में शामिल हो रहे कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज गंगोपाध्याय कितने समय से भाजपा का ऑफर लेटर जेब में रखकर काम कर रहे होंगे, और उस पूरी अवधि के दौरान उन्होंने क्या क्या फैसले दिए होंगे जो सीधे तौर पर बीजेपी के हित में दिए गए होंगे, उनके द्वारा फैसलों का क्या असर हुआ होगा। यहाँ पे देख सकते हैं श्रीनिवास बीबी ने कहा कि ये बेहद ही खतरनाक उदाहरण है। दोस्तों अपडेट निकल के आई है, आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चले, उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज इस्तीफा देते हैं और किसी विशेष राजनीतिक दल में शामिल होते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि वे न्याय नहीं दे रहे थे बल्कि पार्टी के लिए काम कर रहे थे। संजय राउत ने यह बयान दिया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के चाणक्य के यहाँ पे डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रद्द हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। कर्नाटक के डिप्टी सीएम को बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ 2018 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मामला रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जज अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि शिव कुमार के खिलाफ पीएमएलए के तहत शुरू की गई कार्रवाई कानून और नियम सम्मत नहीं होने से यहाँ पे रद्द की जाती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में दिल्ली में शिव कुमार के फ्लैट से मिली बेहिसाब नकदी से संबंधित मामला भी रद्द किया, क्योंकि कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसी शिव कुमार के घर से मिली संपत्ति के स्रोत की कड़ियां धन शोधन से जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। ये अपडेट निकल के आई है। देख सकते हैं कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार को बड़ी राहत मिली है। पटना में जन विश्वास रैली में आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को लेकर टिप्पणी की और यहां पर दोस्तों सवाल खड़े किए, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने अपने सोशल मीडिया पे बायो में मोदी का परिवार लिखा, और इस पूरे मामले पे अब बीजेपी तो कांग्रेस के निशाने पर आ गई। भारतीय युवा कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है और इस पोस्टर में स्पष्ट दर्शाया गया है कि मोदी का असली परिवार कौन है। इसमें नाम और उनके कर्म बताए गए हैं। इसमें दोस्तों देख सकते हैं मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी आदि नाम हैं, और यहाँ पे गौतम अडानी का नाम भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों ब्रजभूषण शरण सिंह और यहाँ पे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आदि का नाम शामिल किया गया। भारतीय युवा कांग्रेस ने ये पोस्टर लगाया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और लिखा है कि मोदी का असली परिवार। वहीं दोस्तों एक तरफ लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर बयान दिया, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी पर तेजस्वी यादव का भी जोरदार पलटवार सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले चुनाव में पीएम मोदी चौकीदार हो गए थे, अब परिवार हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने अपने पिता
लालू यादव के बयान का समर्थन किया और पीएम के परिवार को लेकर की गई निजी टिप्पणी पर अपने पिता लालू प्रसाद का बचाव भी किया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, टीवी पर जो समाचार आते हैं उनमें दिन रात सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री के बारे में ही दिखाया जाता है, आम जनता के मुद्दे तो हटा दिए गए हैं। राहुल गांधी भी अपनी न्याय यात्रा में कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर बीजेपी और गोदी मीडिया को घेरा था, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने भी मीडिया को लेकर ऐसी बात कही है जिस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। आपको दोस्तों बताते चलें, भारत का मीडिया गोदी मीडिया हो गया क्योंकि मीडिया ने अपना सम्मान मोदी जी का महिमा मंडन में गिरवी रख दिया। उस मीडिया के बारे में मोदी जी कहते हुए सुने जा रहे हैं एक रैली में कि मीडिया उनकी खबर दबा देती है, उनके बारे में दिखाया नहीं जाता है। देख सकते हैं जिन मोदी जी को दिखाते दिखाते भारत का मीडिया बिक गया और उसे गोदी मीडिया कहा जाने लगा। अब उसी मीडिया की यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं बुराई करते हुए देखे जा सकते हैं एक जनसभा के दौरान। बड़ी खबर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर आ रही है। तय समय से 4 दिन पहले न्याय यात्रा का समापन करेगी कांग्रेस। 17 मार्च को मुंबई में होगी इंडिया की रैली। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी यहाँ पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 मार्च को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में समाप्त करने जाएगी। इसके अगले दिन यानी 17 मार्च को विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन मुंबई में महारैली करने वाला है। इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल होने वाले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने तय समय से 4 दिन पहले ही समाप्त हो रही है। माना जा रहा है इसके पीछे लोकसभा चुनाव की तैयारी हो सकती है। चुनाव को देखते हुए रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पहली सूची में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री आदि 30 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। वहीं दोस्तों खास तौर पर अगर नजर डाले तो मध्य प्रदेश में पार्टी ने 6 सांसदों के टिकट काट दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नाथूराम गोडसे की तरफ से जुड़े बयान की वजह से प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल लोकसभा सीट से दोबारा टिकट नहीं देगी बीजेपी। इसके साथ ही दोस्तों खबर निकल के आई है उत्तर प्रदेश से, जहां पर मेनका गांधी, वरुण गांधी को भी यहां पे पहली लिस्ट में टिकट नहीं दी गई है। बीजेपी अन्य प्रत्याशी की तलाश कर रही है सुल्तानपुर और पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए। देख सकते हैं इस बार कई जाने माने चेहरों के टिकट काटने की तैयारी में बीजेपी पार्टी दिख रही है। इसी के साथ बताते चलें, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पारिवारिक सीट गुना से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बताते चलें, 2019 के आम चुनाव में सिंधिया कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, लेकिन वह केपी यादव से 1.25 लाख वोटों से हार गए थे। बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि इस बार खराब प्रदर्शन करने वाले सांसदों का टिकट भी काटा जा रहा है। देख सकते हैं इसमें कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। आज की बड़ी खबरें थी मुख्य समाचार, एक एक करके आप तक इस वीडियो में पहुंचाए हैं। पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।